चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आज बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा एवं मनोविज्ञान के ऊपर सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, हमारी लगातार बातचीत चल रही है, इसी पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध के ऊपर हम बातचीत करेंगे, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले क्लास में शिक्षा का अर्थ, दूसरी क्लास में मनोविज्ञान क्या होता है, तीसरी क्लास में मनोविज्ञान के संप्रदाय, और आज है शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध। ठीक, तो लगातार इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और पिछले 2 दिन, एक तो संडे को क्लासेस नहीं होगी, मैंने हमेशा से आपको बताया है, और कल मैं अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मेरी क्लास अपलोड नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, फिर भी समय पर्याप्त है हमारे पास, आराम से आपका कोर्स कंप्लीट होगा। उसके लिए पूरा भरोसा रखें, निश्चिंत रहें, जबरदस्त तैयारी होगी आपकी। मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूं कि हॉस्टल वार्डन की इतनी जबरदस्त तैयारी आप इस प्लेटफॉर्म में आपकी होगी ना, जितनी किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इतनी स्ट्रांग प्रिपरेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, समय बताएगा सच क्या है उसको। फिलहाल समय की धारा में, समय के साथ और हमारे साथ लगातार बने रहिए। टेस्ट सीरीज को लेकर के काफी सारे क्वेरीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैं, तो थोड़ा सा मैं कुछ चीजों को क्लियर कर देता हूं क्लास स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको चीजें समझ में आए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज क्लास के साथ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आप गूगल प्ले स्टोर से द CGPSC कोच ऐप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें। फिर जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो बॉटम साइड में आपको स्टोर लिखा मिलेगा, स्टोर में स्टोर को ओपन करेंगे तो आपको हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज का कोर्स मिलेगा। उसको ओपन करके वहीं से आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज हमने अवेलेबल करा दिया है। टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है, इसका जो कब कब कौन कौन से टेस्ट होंगे, किस डेट पर कौन से टेस्ट होंगे, ये सारी जानकारी इसी कोर्स में PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराई गई है। उसके साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ये PDF उपलब्ध करा दिया गया है। और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसमें आप देखेंगे तो आपके हॉस्टल वार्डन के कुल 48 टेस्ट होंगे, जैसा हमने शेड्यूल बनाया है। यदि इस 48 टेस्ट तक एग्जाम का नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट नोटिफाई नहीं होता है, तो वीकली आपका मॉडल पेपर तब तक चलता रहेगा जब तक एग्जाम हो नहीं जाता। 48 टेस्ट के बाद ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज खत्म हो गया, ये हर हफ्ते एक टेस्ट स्टैंडर्ड लेवल पर आपका चलेगा ऑनलाइन, तब तक चलेगा जब तक एग्जाम हो नहीं जाता। हर टेस्ट पेपर का PDF भी आपको एप्लीकेशन में ही उपलब्ध होगा, इसी कोर्स में ही उपलब्ध होगा, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकेंगे। हालांकि इसके पीछे नहीं पड़िएगा, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, हॉस्टल वार्डन के लिए एक बहुत शानदार वस्तुनिष्ठ किताब MCQs बुक के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चंस वगैरह हम खुद क्रिएट करके उसको टाइप करवा रहे हैं। काफी सिस्टमेटिक वर्क हो रहा है, ऑथेंटिक वर्क हो रहा है, इसलिए समय लग रहा है और समय लगना अच्छा है, क्योंकि ये समय लगने के बाद जो बुक आपको मिलेगी ना, वो बहुत शानदार रहेगी और बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देगी। इसलिए हड़बड़ाइए मत, यकीन मानिए 3-4 महीने से पहले हॉस्टल वार्डन का एग्जाम अभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बात हुई। इसके साथ साथ ये तो लिमिटेड हुए, इसके साथ साथ जो अभी हमारी रेगुलर यूट्यूब में फ्री क्लास चल रही है, तो जैसे ही किसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक का एक एडिशनल अतिरिक्त टेस्ट आपको इसी टेस्ट सीरीज में मिलेगा। जैसे अभी मेरा पहला टॉपिक चल रहा है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो परसों इसी टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन MCQs के, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक टेस्ट शिक्षा एवं मनोविज्ञान टॉपिक का इसी कोर्स में मैं अवेलेबल कराऊंगा, इसी टेस्ट सीरीज में मैं अवेलेबल कराऊंगा। पैरेलली आपका जैसे कंप्यूटर का एक चैप्टर हो गया, मैथ्स का एक चैप्टर हो गया, तो जैसे ही एक एक चैप्टर कंप्लीट होंगे तो उसका इंडिविजुअल चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हम और कराएंगे। ताकि ये उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास को यूट्यूब में फॉलो कर रहे हैं। अरे बात समझ में, तो प्रैक्टिस जरूरी है, तो क्लास का टेस्ट भी इसी में मिलेगा।
और जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल का टेस्ट है वो भी आपको इसी में मिलेगा, मतलब कि डबल बेनिफिट है आपको। ठीक है, जो स्टूडेंट्स क्लास फॉलो नहीं कर रहे हैं वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो नहीं जो कर रहे हैं वो तो जरूर ज्वाइन करें। ये सामान्य जानकारी हुई टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है तो जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर कोर्स में ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। और वैसे भी हॉस्टल वार्डन का जो कोर्स है ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो बहुत मिनिमम फीस में जस्ट 99 में उपलब्ध कराई गई है, और यूट्यूब में हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन वाला जो कोर्स है उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट ये होगा कि हम डेली ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस लाइव आकर के करवाएंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तब तक जब तक एग्जाम हो नहीं जाता। इवन जितने भी टेस्ट लेंगे हो सकता है उस टेस्ट के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करवाएंगे आप, ताकि हम आपको और ज्यादा समझा सके, और ज्यादा तैयारी कर सके, और ज्यादा रिवीजन करवा सके। तो आज की डेट में उसको 99 में ज्वाइन करने में कोई नुकसान नहीं है, 1 लीटर पेट्रोल से भी कम कीमत पर वो कोर्स उपलब्ध है जो आपका जीवन बना सकती है। चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि हॉस्टल वार्डन में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भी आपकी इतनी जबरदस्त तैयारी हो रही है कि आने वाले दूसरे एग्जाम्स में आपकी आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। कंपटीशन और अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होने वाली, तो आपको लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करना है, लगातार मेहनत करना है और सकारात्मक विचारों के साथ ही आगे बढ़ना है। नहीं हो पाएगा वाली कोई बात नहीं होती है, हो जाता है, असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी जरूरी जानकारी थी तो मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए, मैंने थोड़ा अतिरिक्त समय आप लोगों का लिया क्लास के अलावा, पर कोई बात नहीं, बताना आवश्यक था इसलिए ऐसा किया गया। शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध के ऊपर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, तो PDF नोट्स इसका मैं टेलीग्राम ग्रुप द CGPSC कोच में भेज दूंगा, और उसके साथ साथ हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है एप्लीकेशन में उसमें भी मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक जो है, तो शिक्षा के ऊपर हम बात कर चुके हैं, मनोविज्ञान के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इसमें इसका जो औपचारिक प्रारंभ है ये 1889 ईस्वी में जी स्टैनले हॉल के द्वारा या इनके प्रयासों से हुआ ऐसा माना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ किस वर्ष से है, तो 1889 किसके द्वारा, तो जी स्टैनले हॉल के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ देखने को मिलता है। ठीक, फिर देखिएगा क्रो और क्रो, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से किसका क्या स्टेटमेंट है ये देखना है, और आए हुए क्वेश्चंस की हम इसी के अंतर्गत प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो जन्म से बुढ़ापे तक, वृद्धा अवस्था तक के अनुभवों की व्याख्या करता है। कौन व्याख्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान व्याख्या करता है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा क्रो और क्रो ने कहा। तो क्रो और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जो है जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने और अनुभवों की व्याख्या करता है। ये बात समझ में आती है। स्किनर की हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर का ही दूसरा स्टेटमेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। शिक्षण मतलब शिक्षा, अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया, तो मनोविज्ञान शिक्षा प्राप्त करते हुए सीखने की प्रक्रिया। मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्राप्त करते हुए सीखना है। ठीक है, ऐसा अर्थ आ जाता है किसका? स्किनर के अनुसार। नल एवं अन्य की हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की
सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, तो नल एवं अन्य ने मानव व्यवहार से जोड़ दिया। फिर हम कालसनिक के अनुसार बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। कालसनिक के अनुसार हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। ठीक है, ट्रो के अनुसार हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। ट्रो के अनुसार स्टीफन के अनुसार हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। किसका स्टेटमेंट है, स्टीफन का स्टेटमेंट है। पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा क्या विज्ञान है, तो यह किसका कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह किसका स्टेटमेंट है, तो यह पील का स्टेटमेंट है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। फिर हम आगे बात करें सारे व टेलफर्ड के अनुसार तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जिसका मुख्य संबंध शिक्षा के मनोविज्ञान पहलुओं मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से है। तो सारे व टेलफोर्ड ने क्या कर दिया, सीखना एवं मनोवैज्ञानिक खोज से शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। किसे, सारे एवं टेलफोर्ड ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया है, तो इन्होंने सीखने एवं पहलुओं के वैज्ञानिक खोज का प्रयोग करते हुए शब्द का प्रयोग करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। ये क्या हुआ, इसके पहले मैंने आपको शिक्षा की परिभाषा बताई थी, फिर मैंने मनोविज्ञान की परिभाषा बताई थी, आज जो मैंने स्टेटमेंट बताए वो शिक्षा मनोविज्ञान का डेफिनेशन है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, क्योंकि एग्जाम में साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट दिया जा रहा है, या फिर स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, चार ऑप्शन दिखेंगे, आपको प्रॉपर आंसर का सिलेक्शन करना है, ऐसा ही है। ठीक है, एक छोटी सी बात और है जो अभी छूट गई मेरे से बात करते करते, कि काफी सारे कि सर आप YouTube में फ्री दे रहे हैं तो एप्लीकेशन में चार्जेस क्यों है, फीस क्यों है, ऐसा जो तर्क आया, भी देखिए एप्लीकेशन इंडिविजुअली मेरा नहीं है, एप्लीकेशन के लिए जो टेक्निकल टीम है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, और एप्लीकेशन में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम कोई भी चीज को फ्री में उपलब्ध करा सके, ये हमारे अगेंस्ट ऑफ एग्रीमेंट होगा। यूट्यूब फ्री है, यूट्यूब में कुछ भी हम निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा सकते हैं, इसीलिए मैंने एप्लीकेशन में 99 रुपीज का मिनिमम फीस रखा है, टेस्ट सीरीज का भी मिनिमम फीस रखा है 99 रुपीज, मतलब कि इंटरनेट बैंकिंग चार्जेस वगैरह को मिला करके मोटा मोटी 210 रुपये आपका टोटल कॉस्ट लग रहा है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जरूर कमेंट करके, पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसी कोचिंग है, संस्था है, जो इस न्यूनतम फीस में संपूर्ण पाठ्यक्रम की इस स्तर पर जाकर के आपकी तैयारी कर रही हो। तो क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से कहेंगे, ये बात मेरे लिए मायने नहीं रखती है। यदि आपको ये 210 रुपये खर्च नहीं करना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि खर्च करो ही, आवश्यकता नहीं है, आप समर्पण के साथ YouTube की जो क्लासेस है हमारी, जो पूरी तरह से फ्री है, जिसमें आपका एक भी रुपये नहीं लग रहा है, उसी को अच्छे से तैयार करके अपना नोट्स बना लो, आपको कोई बुक वगैरह भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, इसी से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो दूसरी चीजें है आपकी सुविधा के लिए है, आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए है, और यकीन मानिए मतलब इस कम फीस में ना कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट हमको नहीं हो रहा है, मतलब जो स्टाफ की सैलरी जा रही है ना, वो सैलरी भी इस अमाउंट से कलेक्ट नहीं होने वाला, नहीं मिल रहा है, बट हम कर रहे हैं आपके लिए, और हमारी इच्छा है ऐसा करने की, आपके बीच पहुंचने की, आपके दिलों में जगह बनाने की, और आपके जीवन को सफल बनाने में, आपका सिलेक्शन में हेल्प करने का हमारा विचार है। मैं और मेरी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है, इसलिए ऐसा है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है
कि इसको क्रिटिसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लें, सीरियसली बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ा ये अमाउंट नहीं है, इससे कहीं ज्यादा पैसे तो आप और कई तरह से भी खर्च कर देते हैं, ठीक है। इवन 99 रुपीज की फीस में कंप्लीट कंटेंट एप्लीकेशन में देना, मतलब कि एक तरह से मालूम है ऐसा भी होता है कि इतना कम क्यों, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव लीजिए, सकारात्मक पहलू है ये हमारा कि बहुत मिनिमम फी में आपको एप्लीकेशन में हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट कंटेंट हम उपलब्ध करा रहे हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। YouTube के कंटेंट्स बाद में डिलीट हो सकते हैं, पर एप्लीकेशन के कंटेंट बाद में डिलीट नहीं होंगे, तो आपको प्रॉफिट है, उसमें कोई लॉस नहीं है। फिर माना जा रहा है कि 3 से 4 महीने बाद लगभग एग्जाम हो जाएगा। मान लो यदि एग्जाम 6 महीने या साल भर नहीं हुआ तो, या 1 साल बाद एग्जाम होता है, तो क्या आप क्या तैयारी करना बंद करोगे? नहीं। हम क्या तैयारी करवाना बंद करेंगे? नहीं, क्योंकि हमको तो सिलेक्शन से मतलब है, और तब तक तैयारी करेंगे जब तक एग्जाम हो नहीं जाता, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट ही है, लॉस कहीं पर नहीं है। चीजों को नकारात्मक तरीके से नहीं लीजिए। मनोविज्ञान की विशेषताएं, जैसे अभी आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक का क्या क्या स्टेटमेंट। मनोविज्ञान की विशेषताएं, तो मुख्य केंद्र बिंदु मानव व्यवहार होता है मनोविज्ञान में। मानव शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य बिंदु क्या है? मानव व्यवहार है। मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है शिक्षा विज्ञान, है ना, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, अर्थात वैज्ञानिक विधियों द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां क्या क्या है, इसके ऊपर भी हम आज की क्लास में और कल की क्लास में बात करेंगे कौन कौन सी विधियां होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से मानते हैं, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक प्रारंभ से या इससे पूर्व ही शिक्षा मनोविज्ञान प्रारंभ हो चुका था, औपचारिकता इसमें बाद में आई, ऐसा इनका मानना है। काल्सनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो से माना है। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ काल्सनिक ने किसको माना है या किससे माना है, तो प्लेटो से माना है, ठीक है। प्लेटो दुनिया के पहले विद्वान थे जिन्होंने अकेडमी, आजकल आप देखिएगा इंस्टीट्यूट अकेडमी शब्द का बहुत प्रयोग होता है, तो अकेडमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना प्लेटो ने की थी, जो कालांतर में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अकेडमी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, प्लेटो ने की थी। काल्सनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे माना है, तो प्लेटो से माना है। अब हम बात करते हैं स्किनर की, तो स्किनर की हम बात करें तो स्किनर के अनुसार इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे माना है, तो इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से स्वीकार किया है। काल्सनिक ने प्लेटो से और स्किनर ने अरस्तु से स्वीकार किया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे माना है, तो अरस्तु से माना है। अरस्तु ने स्वीकार किया है, अरस्तु को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि अरस्तु ने लीसियम नामक शिक्षण संस्था स्थापित की थी। किसने माना है? स्किनर ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का प्रारंभ रूसो की प्रकृति की शिक्षा से हुआ था, रूसो की प्रकृति की शिक्षा से हुआ था। इससे प्रेरित होकर पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट फ्रॉवेल इत्यादि विद्वानों ने 20वीं शताब्दी में इसकी विधिवत शुरुआत की, ठीक है। तो ये हो गया वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान कहां से शुरुआत हुआ, इसकी बात होगी। फ्रांसिस गल्टान, हेनरी गोडार्ड, एबिंग हास, विलियम जेम्स इत्यादि विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, थार्नडाइक को विश्व का प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो विश्व का प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन सा, कौन? थार्नडाइक। तो यहां पे प्लेटो का मानना, काल्सनिक का प्लेटो को मानना, स्किनर का अरस्तु को मानना और थार्नडाइक को विश्व का प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाना, ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए इस वाले पार्ट में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम देखें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, तो ये आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, इन सभी क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान है, काम कर रहा है पाठ्यक्रम में, मतलब जैसे शिक्षा की जो पद्धति है उसमें सिलेबस, जैसे अभी आप देखेंगे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है तो ये सिलेबस जारी किया गया है, है ना। तो एम ही सिलेबस जारी नहीं किया गया है, उसके पीछे एक स्तर की मानसिकता है। और आप ध्यान रखिएगा, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम सरल नहीं होता, इसका सिलेबस अच्छी बात है, क्लियर है, पर लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत हाई होते हैं।
कई स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन सरल भी आ जाए, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि 10 में से 10 के 10 बने, कुछ भी छूटे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बेस टू टॉप लेवल तक कर कंटेंट को लेकर जा रहा हूं, है ना भाई, ये मेरा बेसिक रीजन है ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्या हो यदि बाल मनोविज्ञान से जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जो बहुत कठिन है, बनने चाहिए, बहुत सरल जो है वो तो बनेंगे ही बनेंगे। अभी बात समझ में, तो पाठ्यक्रम है, निर्देशन है, वृद्धि एवं विकास है, भाई निर्देशन है, गाइडलाइन वगैरह जैसे दिया जा रहा है, तो अब जैसे मैं ही आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं अपनी क्लासेस के माध्यम से, तो इसके पीछे भी मनोविज्ञान है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास, किसी भी बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है एज के अनुसार, सोशल मेंटल फिजिकल सब प्रकार का डेवलपमेंट उसमें होता है, तो इसके भी मनोवैज्ञानिक कारण है, मनोविज्ञान का क्षेत्र है ये। वंशानुक्रम है, व्यक्तिक भिन्नता है, व्यक्तित्व है, मापन तथा मूल्यांकन है, शिक्षण प्राविधियां है, तो ये सभी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है, ठीक है। जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों, तो बालक के स्वभाव के अध्ययन हेतु, बालक के वृद्धि एवं विकास हेतु, वातावरण के साथ अनुकूलन हेतु, संवेगों के नियंत्रण व शैक्षिक महत्व हेतु, व्यक्ति तथा बुद्धि चरित्र निर्माण हेतु, शिक्षण अधिगम की प्रकृति समझने हेतु, पाठ्य पुस्तकों की रचना हेतु, नाप एवं मूल्यांकन निर्देशन तथा परामर्श हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। मतलब किसी भी चीज को जब आप नॉलेज के साथ डील करोगे तो उसका तरीका ही अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बहुत सामान्य सरल सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूं, यदि हमारे समाज में ऐसा है कि यदि किसी व्यक्ति के घर के सामने पुलिस की गाड़ी एकाएक आकर के रुकी तो वो पूरा परिवार डर जाता है और आसपास के पूरे मोहल्ले इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या कर दिया लोगों ने, बहुत सारी बातें, और जिसके घर में है वो पहले ही डर जाता है, उसको ये पता हो कि उसने कुछ किया है कि नहीं किया, उसके पहले ही उसके अंदर डर आ गया कि पुलिस घर कैसे आ गई। ये बहुत ही नकारात्मक मानसिकता है हमारे समाज में। पुलिस प्रशासन भी जो है, जो पूरे प्रशासन है, जो हमारा तंत्र है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज के व्यक्तियों की सुरक्षा की जवाबदारी उनके ऊपर है, और वो भी आपके मेरी तरह ही आम इंसान है, वो भी अच्छे से बात करते हैं, अच्छा व्यवहार आपके साथ रखते हैं, आप उनसे इतना डर क्यों रहे यदि आप गलत नहीं है तो, या आपने कोई अपराध नहीं किया है तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जब भी आए आप आराम से मिलिए, आराम से बात कीजिए, यदि आपको कोई समस्या भी है तो आप उनको आराम से तमीज से सही लहजे से बात कीजिए, बताइए। यदि आप बदतमीजी से बात करेंगे तो सामने वाला आपसे बदतमीजी से बात करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक आध बार कोई समझाएगा तो। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है, गाड़ी रुकी नहीं कि पहले डर गए, ठीक है। तो ये एक तरह का जो नकारात्मक पहलू है, नकारात्मक जो डर है वो बैठाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मनोविज्ञान जो है मायने रखता है। मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों के अंतर्गत हम देखें तो इसमें मैं सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं अंतरदर्शन विधि। अभी आज की ही क्लास में मैंने बताया शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान को समझने की या उसको उसका अध्ययन करने की कई सारी विधियां हैं, तो उसमें से पहली विधि आपके सामने है अंतरदर्शन विधि। अंतरदर्शन विधि के ऊपर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही तरह से इसको आपको समझना है। पहली विधि क्या है, अंतरदर्शन विधि, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अंतरदर्शन, अब ये देखिएगा ये किससे कनेक्टेड है, ये संवेदना से कनेक्टेड है। अब संवेदना मतलब क्या हुआ, संरचनात्मक संप्रदाय, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था संरचनात्मक संप्रदाय का जो मूल तत्व है वो क्या है, संवेदना है। तो अंतरदर्शन, अंतरदर्शन में क्या होता है, अपने अंदर देखना, अपने अंदर देखना। तो इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वयं के अंदर देखा जाता है, झांका जाता है। हालांकि ये विधि बहुत ही ज्यादा प्रायोगिक नहीं हुई, क्योंकि अपने अंदर आप देख रहे हो, झांक रहे हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आपके अंदर जो चल रहा है या जो विचार आपके अंदर है वही आप व्यवहार में लाओगे। इसीलिए तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन हो गया, जब तक आचरण में ना आए सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है ना। तो ये बहुत ज्यादा प्रायोगिक नहीं हुआ, लेकिन अंतरदर्शन विधि अर्थ है अपने अंदर देखना, संवेदना इसका हिस्सा होता है। तो टीचनर के अनुसार अपनी आत्मा को देखना ही अंतरदर्शन है,
ये किसका स्टेटमेंट है? टिचनर का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टिचनर के अनुसार अपनी आत्मा को ही देखना अंतर्दर्शन है, एंजिल के अनुसार अंतः प्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है, अंतः प्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है। स्काउट के अनुसार अपने मस्तिष्क के कार्य व्यापारों का एक क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। और अंतर्दर्शन के तीन स्तर हैं, आत्म अंतः निरीक्षण, स्वयं का पहले निरीक्षण करेंगे और फिर उसका विश्लेषण करेंगे और फिर उसमें सुधार लाएंगे जहां पर आवश्यकता हो। तो अंतर्दर्शन के कितने स्तर हैं? तो अंतर्दर्शन के तीन स्तर है, अंतः निरीक्षण, विश्लेषण और सुधार। ये अंतर्दर्शन विधि है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से क्या होता है? तो इसके माध्यम से चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। संरचनावाद वाली बात मैंने आपको बताई ही, इसमें क्या होता है, अंतः अवलोकन या आत्मगत निरीक्षण के नाम से भी या साक्षात्कार विधि के नाम से भी अंतर्दर्शन विधि को जाना जाता है। तो अंतर्दर्शन विधि के दूसरे नाम क्या हुए? तो साक्षात्कार विधि है, अंतः अवलोकन विधि है या आत्मगत निरीक्षण विधि है, ठीक है। अब अंतर्दर्शन के प्रमुख तत्व क्या है? तो संवेदना, संवेदना के बाद प्रतिमा और भाव। इसका उदाहरण पिछली क्लास में भी मैंने आपको दिया था कि जैसे किसी मृत शरीर को आपने देखा तो उसमें संवेदना, उसके लिए संवेदना पैदा हुई, फिर आपने इमेजिन कर लिया कि ये मेरे किसी संबंधी की है तो वो प्रतिमा का रूप ले लिया, और फिर जैसे ही आपने इमेजिन किया कि ये मेरे किसी संबंधी का है तो उस विचार की वजह से आपके अंदर दुख का भाव उत्पन्न हो गया, तो ये भाव है, ठीक है। तो संवेदना, प्रतिमा और भाव जो है अंतर्दर्शन विधि के तीन प्रमुख तत्व है। अंतर्दर्शन विधि के तीन स्तर अलग हैं और तीन तत्व अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्दर्शन विधि के तीन प्रमुख तत्व संवेदना, प्रतिमा और भाव, और अंतर्दर्शन के तीन स्तर अंतः निरीक्षण, विश्लेषण एवं सुधार, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपके सामने बहिर्दर्शन विधि, देखिएगा बहिर्दर्शन विधि, ठीक। बहिर्दर्शन मतलब स्वाभाविक सी बात क्या हो जा रही है, अब बाहर से समझने की बात हो रही है। तो बाहर से समझने का आधार क्या होगा? आचरण होगा, व्यवहार होगा, ठीक है। आचरण से ही, व्यवहार से ही बाहर से समझा जाएगा। तो बाहर से दर्शन, बहिर्दर्शन का क्या होगा? आचरण होगा, ठीक है। इस विधि का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है क्योंकि इसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक अध्ययन आसान है, स्पष्ट है, वैज्ञानिक है, बहिर्दर्शन विधि, ठीक है। तो व्यक्ति के आचरण का अवलोकन करके उसके आचरण का कारण जानना ही बहिर्दर्शन कहलाता है। तो बहिर्दर्शन का मूल तत्व क्या हो गया? आचरण हो गया। अब ये दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक बहिर्दर्शन और अनौपचारिक बहिर्दर्शन, ठीक है। अब देखिएगा, बहिर्दर्शन को अवलोकन विधि या पर निरीक्षण विधि या प्रेक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। बहिर्दर्शन विधि को अवलोकन विधि, पर निरीक्षण विधि या प्रेक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के प्रतिपादक कौन है, मतलब कि बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है जॉन बी वॉटसन। जॉन बी वॉटसन या सिर्फ वॉटसन जो है इसके प्रतिपादक हैं, और इन्हीं को व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है, व्यवहारवाद के जनक के रूप में जॉन बी वॉटसन को जाना जाता है, ठीक है। तो वॉटसन के अनुसार अनुभवों, विचारों एवं प्रयोगों के आधार पर मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान का अध्ययन अंतः निरीक्षण न होकर प्रेक्षण विधि है या बहिर्गमन विधि है, ठीक है। ये बहिर्दर्शन विधि है, बहिर्दर्शन विधि है, बाहर से देखना। तो ये दो विधियां हुई, ठीक है। तो किस प्रकार से इसको और समझा जा सकता है, देखिएगा। अब बहिर्दर्शन विधि में बाहर से देखना, तो निश्चित तौर पर इसमें क्या होगा, इसको समझाने के लिए निरीक्षण होगा, उसकी लिस्टिंग की जाएगी और उसके अनुसार स्पष्ट किया जाएगा कि किस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है, तभी तो ये व्यवहार का विज्ञान हुआ, मनोविज्ञान जो है। अब बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग शिशुओं को, बालकों को, किशोरों को, पौड़ों को या किसी भी समूह को समझने या उसके अवलोकन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, विक्षिप्त सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन इस विधि के माध्यम से संभव है। यह अधिक अत्यधिक प्रभावी है, क्यों? क्योंकि यह आचरण आधारित है। तो अंतर्दर्शन विधि अपने अंदर देखना, बहिर्दर्शन विधि आचरण के आधार पर,
परीक्षण निरीक्षण और फिर वैज्ञानिक प्रयोग और फिर परिणाम अवलोकन और परिणाम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पशु पक्षियों के व्यवहार के लिए भी बहिर्दर्शन विधि का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनके मन को तो पढ़ा नहीं जा सकता। अरे बात समझ में, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की कई प्रकार की विधियां हैं, इनमें से दो विधियां अंतरदर्शन और बहिर्दर्शन के ऊपर आज की क्लास में मैंने बात की, बाकी की विधियों के ऊपर कल की क्लास में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ अंत में एक प्रमुख सूचना आप लोगों के लिए ये है कि DCGPSC कोच द्वारा बायोलॉजी लेक्चरर, मैथमेटिक्स लेक्चरर और फिजिक्स लेक्चरर की ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड मोड पे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में लॉन्च कर दी गई है। और इसमें देखिएगा जो पेडोगॉजी वाला पोर्शन है 30 क्वेश्चन की क्लासेस मेरे द्वारा ली जाएंगी और बाकी जो तीनों सब्जेक्ट है इस बार मैंने क्या किया है, तीनों ही सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स फैकल्टी जो ऑलरेडी JEE नीट की क्लासेस लेते हैं और जिनको इस फील्ड का आइडिया है, इवन लास्ट एग्जाम में उन्होंने इसमें सिलेक्शंस भी लिए हुए हैं, ऐसे टीचर्स को मैंने बुलाया है, उनसे रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। बायोलॉजी की जो क्लासेस है वो स्निग्धा मैन द्वारा ली जाएंगी और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो गुलशन चंद्र सर द्वारा ली जा रही है और फिजिक्स की जो क्लासेस है वो रंजीत लहरी सर द्वारा ली जा रही है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें इन सभी फैकल्टीज की डेमो क्लासेस मैं आपको जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा और एप्लीकेशन में कोर्स के साथ डेमो क्लासेस मैंने उपलब्ध करा दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स लेक्चरर्स में सिलेक्शंस के लिए अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं वो जरूर हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं DCGPSC कोच ऐप डाउनलोड कर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, निश्चित तौर पर पॉसिबल है, तो पूरी एनर्जी के साथ जूझ जाइए, भिड़ जाइए। कल फिर 9 बजे मेरी अगली क्लास होगी और कल की क्लास में मनोवैज्ञानिक अध्ययन की जो अन्य विधियां हैं उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में तो बहुत एक शानदार स्टेटमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, न डर न शक न मगर पैदा कर, कुछ कर गुजरने के लिए जिगर पैदा कर, बंद कर दे कोई सारे दरवाजे मगर, बात तो तब है जब दीवार में दरार पैदा कर। विश यू ऑल द बेस्ट, कल फिर मिलेंगे आपसे।